Assalamu alaikum students, we have discussed about Faraday's first law of electrolysis. It states that the amount of any substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte. यानी इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर जो सब्सटेंस की अमाउंट डिपॉजिट होती है या लिब्रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसमें हमने इक्वेशन डिस्कस की थी कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी, ए मीन करंट इन एम्पियर. बट व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन Z कॉन्स्टेंट विल कम. W is equal to ZAT is the formula. Now we will discuss the numerical related this formula. A current of 0.5 ampere which is present on your page number 125. A current of 0.5 ampere was passed through a solution of copper sulfate for 1 hour. Calculate the mass of copper metal deposited on the cathode. Electrochemical equivalent of copper is also given. In kilogram I have used here the value 3.294 into 10 to power minus 7 kilogram per coulomb. The data aap dekhenge, current is present here 0.5 ampere, time 1 hour, we have to change it into seconds. 3600 second mein change kar lenge isko. 1 hour is equal to 3600. और Z फॉर कॉपर इज गिवन 3.294 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 किलोग्राम पर कूलम. नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले W इज इक्वल टू ZAT. Z हमें कांस्टेंट वैल्यू है 3.294 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3600. हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 5.929 × 10⁻⁴ किलोग्राम. बुक में आप करेक्शन करेंगे, बुक में किलोग्राम पर कूलम लिखा है. किलोग्राम पर कूलम जो है वो जेड का यूनिट है और अमाउंट का यूनिट यानी डब्ल्यू का यूनिट जो है वो किलोग्राम है. सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड न्यूमेरिकल प्रेजर ऑन पेज नंबर 125 यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ. द सेम फॉर्मूला विल बी यूज. थैंक यू.